सुबह सुबह उठते ही जब पोहे की महक चारों तरफ फैलती है तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो इसके जायके का लुत्फ लेने से अपने आप को रोक सके। इंदौरी कुछ भी भूल सकते हैं लेकिन पोहा जलेबी नहीं। इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश में सुबह लोग पोहा जलेबी का नाश्ता करना नहीं भूलते। इंदौर और पोहा खुद में इस तरह से जुड़े हैं कि यहाँ के करीब 80% लोग अपने दिन की शुरुआत पोहा जलेबी और सेव के साथ करते हैं। पोहा और सेव तो दोनों ही कल्चर में है और इंदौर तो ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ 2 घंटे ही खाना बंद रहता है क्योंकि रात का समय है। बाकी सुबह तो सुबह मैगी चालू हो जाती, पोहे चालू हो जाते हैं, रात को अपना सराफा चालू रहता है। तो इंदौर में खाने वालों की तो कमी नहीं है और खिलाने वालों की भी नहीं है। जितना स्वादिष्ट ये पोहा है उससे भी दिलचस्प इसकी कहानी है। महाराष्ट्रीयन और मारवाड़ी परिवारों के किचन से निकलकर पोहा इंदौर में 1949 में पहुंचा और यहीं रच बस गया। महाराष्ट्र के 26 साल के युवा पुरुषोत्तम जोशी ने शहर में पोहे की पहली दुकान खोली और यहीं से ये पोहा इंदौरी हो गया। सबसे पहले उसल के अंदर पनीर का जो चलन है वो इंदौर में चालू करने वाले अपन थे। फिर उसमें पनीर डाला तो फिर ग्राहक को थोड़ा स्पाइसी लगा तो उनको उसमें अपन क्या कर सकते हैं, तो उसके अंदर अपन ने दही चालू करा और उसके अंदर क्रीम डाली जाती है, दही डाला जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1950 में जब इंदौर आए तो उन्होंने भी पोहे की तारीफ की। 2019 में क्रिकेटर गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण और कमेंटेटर जतिन सप्रू की पोहा जलेबी खाते हुए फोटो खूब वायरल हुई थी। मशहूर क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भी इंदौरी पोहा खाने के शौकीन हैं। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी केबीसी में इंदौर के पोहे के स्वाद की चर्चा कर चुके हैं। कम से कम 500 थैलागाड़ी होगी और 2000 से ऊपर दुकानें चलती है जो दिन भर पोहा खिलाती है और कुछ दुकानें लिमिटेड है जो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक उनका नाश्ता जलेबी पोहे का होता है। 10 से 12 पैसे प्लेट की दर से मिलने वाला पोहा आज 15 रुपए प्रति प्लेट तक पहुंच चुका है, लेकिन स्वाद और जायका जस का तस है। इंदौरी पोहे और सेव के लिए GI टैग की सिफारिश की जा रही है, जिसके मिलने के बाद ये पोहा आधिकारिक तौर पर इंदौरी पोहा ही कहलाएगा। इंदौरी पोहा इसलिए मशहूर है क्योंकि यह हमारी जो है एक तरह से संस्कृति में बस गया है और अगर इंदौर में कोई मेहमान आए या मेहमान आए उसका स्वागत केवल पोहे खिला के ही किया जाता है। इंदौर से हेमंत नागले, दैनिक भास्कर के लिए।